नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। पिछले 24 घंटे में मार गिराए गए 10 खूंखार आतंकी। सेना ने कहा रमजान में आतंक फैलाने की थी पाकिस्तान की साजिश। सेना ने दी जानकारी, भारी भरकम हथियारों से लैस थे आतंकी। ट्राल में हिजबुल कमांडर सब्जार बट समेत 2 आतंकी ढेर। उरी के रामपुरा सेक्टर में भी 8 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर के ट्राल में हिजबुल का कमांडर सब्जार अहमद मारा गया। आतंकी बुरहान वानी का करीबी था सब्जार। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद सब्जार को 2 दिन के लिए हिजबुल कमांडर बनाया गया था। बाद में जाकिर मूसा ने सब्जार की जगह ली। जाकिर मूसा के हिजबुल से अलग होने के बाद सब्जार को फिर कमांडर बनाया गया। ट्राल में कल रात से चल रहा है ऑपरेशन। सब्जार अहमद के अलावा 2 और आतंकियों के मारे जाने की खबर। पैरा कमांडो और एसओजी की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने रुकावट डाली। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। रामपुर सेक्टर में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया। कल सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 जवानों को भी मार गिराया था। आज मारे गए आतंकियों को कवर फायर दे रहे थे दोनों। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर रोकी। सुबह 22 सोशल नेटवर्किंग साइट से बैन हटाने की खबर आई थी। आतंकी सब्जार अहमद के मारे जाने पर कश्मीर घाटी में कई जगह बंद, हिंसक प्रदर्शन भी किया गया। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद राजस्थान एटीएस ने जारी किया अलर्ट। जैसलमेर समेत सभी जगहों पर चौकसी बढ़ाई गई। कुपवाड़ा के वाहीपोरा में जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम लूटा गया। एटीएम में 15 लाख रुपए थे। कल रात हुई वारदात। गिलगित बाल्टिस्तान में फिर उठी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज। आजादी के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा जमीन का 1-1 इंच हमारा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से लंच पर की मुलाकात। गर्मजोशी से मिले दोनों। मॉरिशस के पीएम के सम्मान में दिया गया था लंच। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले नीतीश कुमार, कहा मुलाकात के कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाएं, मुलाकात में राजनीति नहीं। नीतीश कुमार ने कहा पीएम मोदी के साथ लंच पर मुख्यमंत्री को न्योता था, जेडीयू अध्यक्ष को नहीं। कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुए थे नीतीश कुमार। शरद यादव ने लिया था इसमें हिस्सा। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने कहा नीतीश कुमार हमारे पुराने साथी हैं और उनके लिए बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल है। लालू यादव और दूसरों पर बेनामी संपत्ति के मामले पर नीतीश कुमार ने कहा आरोप और प्रत्यारोप पर टिप्पणी नहीं करते, तथ्य पर टिप्पणी करते हैं। सहारनपुर के बॉर्डर से दिल्ली वापस लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रशासन ने नहीं दी गांव में जाने की इजाजत। सहारनपुर के बॉर्डर पर ही राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की। काफी देर तक यमुना पुल पर उनकी प्रशासनिक अधिकारियों से बहस होती रही। राहुल गांधी को प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में जाने से रोका तो डीएम एसएसपी को लगाई फटकार। सहारनपुर पहुंचने पर राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, एक बच्चे के साथ काफी देर वक्त बिताया। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कहा आज कश्मीर जल रहा है और यही हाल यूपी का है। कश्मीर के बिगड़े हालात को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा मोदी जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों को जगह दे रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा मायावती के जाने के बाद हालात बिगड़े इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए 3 बड़े घोटालों के आरोप। दवाई, एम्बुलेंस और ट्रांसफर में घोटाले का दावा किया। कपिल मिश्रा का दावा, दवाइयों की खरीद और एम्बुलेंस में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। कपिल मिश्रा ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत का मुद्दा उठाया। कहा दवाओं की कमी की वजह से घोटाला। ईवीएम हैक चुनौती में आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस नहीं लेंगी हिस्सा। 3 जून के लिए तीनों पार्टियों ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन। सिर्फ एनसीपी और सीपीएम होगी इसमें शामिल। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल जाकर लिया वाराणसी की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा। मरीजों की परेशानियों को दूर करने का दिया निर्देश। सीएम योगी ने वाराणसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। लहरतारा ओवरब्रिज का निरीक्षण कर अधिकारियों से सवाल जवाब किए। कल गोंडा के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुशीनगर में दलित जाति का प्रशासन पर आरोप। सीएम योगी की सभा में आने से पहले नहाकर आने को कहा गया। आरोप है कि प्रशासन की तरफ से साबुन और शैंपू बांटे गए। आरोपों पर प्रशासन ने चुप्पी साधी। सहारनपुर हिंसा पर यूपी के राजेंद्र प्रताप का बयान, जातीय हिंसा के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती को बताया जिम्मेदार। नोएडा अथॉरिटी की कड़ी कार्रवाई, 91 बिल्डर्स डिफॉल्टर घोषित, नहीं दिया करोड़ों रुपए का बकाया, प्रोजेक्ट्स में भी देरी। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से 1 व्यक्ति की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया।
झारखंड में गिरिडीह खदान हादसे में अब तक 6 शव निकाले गए, 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, सरकार ने जांच के आदेश दिए। मेरठ के पास बुलंदशहर हाईवे पर सड़क हादसा, 2 ट्रक आपस में भिड़े, 1 ड्राइवर की मौत हो गई, दूसरा बुरी तरह घायल। मथुरा में खनन माफिया ने पुलिस की जीप में टक्कर मारी, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई, माफिया भागने में कामयाब, केस दर्ज, छानबीन शुरू। यूपी के मऊ में आंधी से भारी नुकसान, कच्चे मकानों की छतें उड़ी, कई पेड़ भी गिरे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के लोगों को गर्मी से राहत, सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी ने तापमान गिराया, 25 डिग्री पर पहुंचा पारा। ग्वालियर के पास टला रेल हादसा, निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर हमसफर एक्सप्रेस पर गिरा, थोड़ी देर के लिए दिल्ली ग्वालियर झांसी रेल रूट बाधित हुआ। बिहार के जमुई में 5 नक्सलियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को धमकी, 28 और 29 मई को 5 जिलों में बुलाया गया बंद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, भारी नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश में छतरपुर के सिविल लाइन इलाके में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा, वक्त पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बीकानेर में बिजली के खंभे से भिड़ा ट्रक, टक्कर के बाद ट्रक में आग लगी, ड्राइवर भी झुलस गया। राजस्थान के भरतपुर में दुकान में भीषण आग लगी, हाई टेंशन तार गिरने से लगी आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। बिहार के सासाराम में गैस रिसाव से दुकान में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक हो गया, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के पोखरण में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई, 4 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कल आएंगे CBSE की 12वीं क्लास के नतीजे, CBSE ने कहा मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। कानपुर में महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, पकड़े जाने पर वीडियो डिलीट करने के लिए मंदिर से भागा पुजारी। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में दबंग ने 16 साल की दलित लड़की को अगवा किया, शिकायत के बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बिहार के मधुबनी में नाबालिग के साथ रेप, गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के हाजीपुर में दहेज नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने गर्भवती बहू की हत्या की, पुलिस ने ससुर को मौके से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के पौड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, पूरी तरह जला मिला शव, ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज। हरिद्वार में हरियाणा के युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरुग्राम में पुलिस ने साइबर क्राइम के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। हापुड़ में कारोबारी से एक्सरे बैग बनवाने के नाम पर 20 लाख की ठगी, तांत्रिक और दिल्ली के एक अस्पताल संचालक पर आरोप। इलाहाबाद के सरकारी शेल्टर होम में अनाथ बच्चों के उत्पीड़न का मामला सामने आया, बच्चों की रस्सी से बंधी तस्वीर वायरल। पटना के दानापुर से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है, पुलिस ने जब्त की बियर की 600 पेटियां। राजस्थान के चुरू में अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया, हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। झारखंड के रांची में बच्चा चोरी का शक, महिला समेत 4 लोगों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। भागलपुर में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। बेगूसराय में बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारी, कैश लूट कर फरार हुए, तलाश जारी। MP के इटारसी में पंजाब मेल एक्सप्रेस से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 65 तोते जब्त, रेलवे पुलिस ने 2 लोगों को भी पकड़ा। उड़ीसा के बरीपादा में जंगल से मिली लावारिस बच्ची, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने रेस्क्यू किया। टेक होम सैलरी बढ़ाने पर आज लग सकती है मुहर, EPFO बोर्ड की बैठक में PF कॉन्ट्रीब्यूशन घटाने पर फैसला संभव, 12 से घटाकर 10% हो सकता है PF कॉन्ट्रीब्यूशन। IT सेक्टर में छटनी की खबरों में सच्चाई नहीं, IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा 5 नौकरी जाने पर 15 नई नौकरियां पैदा होती। ई वॉलेट लाने की तैयारी में फेसबुक, इंडियन पेटेंट ऑफिस में दाखिल की अर्जी, अपने ई वॉलेट को मैसेंजर या व्हाट्सएप के साथ जोड़ सकती है FB। ओला और उबर के ड्राइवर्स को ऑटो लोन नहीं देगा SBI, बड़ी संख्या में डिफॉल्ट करने पर बैंक ने लिया फैसला, ओला उबर की 300 गाड़ियों को SBI ने किया जब्त। अमेरिका में PhD करने वालों को मिल सकती है H-1B वीजा में छूट, भारतीय और विदेशी छात्रों को होगा फायदा, US कांग्रेस में स्टिपल नाम से नया बिल पेश किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारियों को जांचने कल मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, पहले वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड बरकरार रहने का भरोसा, कहा टीम के पास गंवाने को कुछ नहीं, खिलाड़ी अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक ने मोहम्मद शमी को बताया टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज, कहा शमी की गेंदों को खेलना काफी मुश्किल।
वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने चैंपियंस ट्रॉफी खिताब के लिए इंग्लैंड को बताया फेवरेट, कहा टीम में मौजूद हैं बेहतरीन खिलाड़ी। इंग्लैंड में काउंट्री चैंपियनशिप डिवीजन टू में चेतेश्वर पुजारा ने लगाई सेंचुरी। नॉटिंगहमशायर की तरफ से ग्लूरस्टर के खिलाफ खेली गई 112 रन की पारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को बताया बड़ी समस्या। ट्रंप ने जापान के पीएम शिंजो आबे को भरोसा दिलाया जल्द होगा नॉर्थ कोरिया से जुड़ी सभी मुश्किलों का हल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साप्ताहिक संबोधन में किया प्रस्तावित बजट का जिक्र, कहा बजट से आर्थिक हालात सुधरेंगे और हजारों अमेरिकी वर्कर्स को रोजगार मिलेगा। एफबीआई जांच के निशाने पर आए डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेयर्ड, एफबीआई को शक कि उनके पास हो सकती है रूस ट्रंप के संबंधों से जुड़ी अहम जानकारियां। मैनचेस्टर अटैक मामले में पुलिस ने दो और शख्स को गिरफ्तार किया, अब तक 11 लोग पुलिस कस्टडी में। मैनचेस्टर हमले में 22 लोगों की मौत हुई थी। फिलीपींस में इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ सेना के कड़े तेवर, दक्षिणी फिलीपींस सिटी के कुछ इलाकों पर सेना का दोबारा कब्जा, 30 से ज्यादा आतंकी थे। ईसाइयों पर हमले के बाद मिस्र के वॉर प्लेन्स ने लीबिया में की बमबारी, आतंकियों के कैंपों को बनाया निशाना। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह बोले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीलंका में बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक करीब 100 लोगों की मौत, बड़ी तादाद में लोग लापता। चिली के रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप का निर्माण शुरू, रेगिस्तान के बीच 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर लगेगा यह टेलीस्कोप, 2024 में काम करना शुरू करेगा टेलीस्कोप। वेनेजुएला में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, मिलिट्री बैरक्स की तरफ मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल किया। स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में गोल्फ खेलकर वक्त बिता रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, गोल्फ रिजॉर्ट में मौजूद लोगों से किया हंसी मजाक। बिग बॉस का तमिल वर्जन होस्ट करेंगे कमल हासन, बोले आमिर खान से ज्यादा समाज के लिए मैंने किया काम, खुद को सामाजिक तौर पर जिम्मेदार साबित करने के लिए सत्यमेव जयते जैसा शो करने की जरूरत है। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी चाइनीज एक्टर सिंगर चूचू, फिल्म को लेकर हैं काफी उत्साहित। पद्मावती की शूटिंग के दौरान घायल हुए एक्टर रणवीर सिंह, क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान सिर में चोट लगी, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद दोबारा सेट पर लौटे। सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी वेब सीरीज के लिए राजकुमार राव ने बदला हेयर स्टाइल, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। सुपरहिट फिल्म बदलापुर के सीक्वल की तैयारी, फिल्म में हीरोइन का होगा लीड रोल। फिल्म हैप्पी भाग जाएगी के सीक्वल में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में दिखेंगी, कुछ महीनों में शुरू होगी इस फिल्म की शूटिंग। प्रियंका चोपड़ा ने बेवॉच की टीम को बताया सबसे बेस्ट क्रू, फिल्म को लेकर उत्साहित हैं प्रियंका, भारत में 2 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। रिलीज से पहले कॉपीराइट विवाद में फंसी सुशांत राजपूत और कृति सेनन की फिल्म राबता, 1 जून को होगा इस मामले पर फैसला। मणिरत्नम की अगली फिल्म में नजर आएंगी ऐश्वर्या राय बच्चन, हिंदी और तमिल में बनेगी रोमांटिक ड्रामा फिल्म। अपनी फिल्मों की बाहुबली 2 की कमाई से तुलना किए जाने पर सलमान खान ने कहा मेरी फिल्में भी बाहुबली जितना ही कमा लेती हैं।